इंदौर शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वन्य प्राणियों और पक्षियों को ठंड से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए एक और जहां उनके खानपान में बदलाव किया गया तो वहीं गर्म हवा देने वाले ब्लोअर हीटर और बल्ब लगाए गए हैं। साथ ही सुबह शाम और रात को चलने वाली सर्द हवाओं से बचाने के लिए ग्रीन नेट से पिंजरों को ढक दिया गया है और ठंड से बचाने के लिए सब घर और कछुओं को इनक्लोजर के साथ खास इंतजाम किए गए हैं। आने वाले दिन में शेरों के पिंजरों में लकड़ी के फट्टे बिछाए जाएंगे ताकि फर्श की ठंडक उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इंदौर के जू से देखें संवाददाता निहारिका शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर जू में भी अब बढ़ती ठंड का असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि इंदौर जू में तरह तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर पालने वाले जानवरों के लिए दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की समस्या उन्हें इस बढ़ती ठंड में ना हो। इस वक्त हम लोग इंदौर के जू में मौजूद है जहाँ पर आपको स्नेक हाउस की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के व्यवस्था यानी कि इंतजाम जो है जानवरों के लिए किए गए हैं। स्नेक हाउस की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जानवरों के लिए शेड्स भी बनाए गए हैं। अब जो रूफ है उनकी वो ओपन रखी गई है ताकि वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट जो है वो अंदर आ सके। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है जिसके चलते अब इंदौर जू में भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं जू में मौजूद जानवरों के लिए फिलहाल की जा रही है? देखिए जो मेन हम लोगों को जो इस सब जब जाड़े का मौसम शुरू होता है तो जो मेन फोकस करने की जो हम लोगों को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो रेप्टाइल्स को लेके होती है, क्योंकि रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते और इस तरह के मौसम में उनको काफ़ी तकलीफ होती है। जब टेम्परेचर बिलो जाने लगता है, पारा लगातार गिरने लगता है, तो हम लोगों को फिर आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर को हम लोग रिटेन कर सकें, मेंटेन कर सकें। रात के समय चूँकि रेप्टाइल इनको बास्किंग के लिए सनलाइट की भी उतनी ज़रूरत है, तो जो हमारे जो हाउस बने वो ओपन टू स्काई है, लेकिन जब रात का समय होता तो हम लोग इनको जो हमारे तारपोलिन रहता उससे ढक देते ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना निकल पाए। तो ये जो हम लोगों ने जो रेप्टाइल्स के लिए जो व्यवस्था करी है इनके लिए काफ़ी कंफर्ट जोन में रखती है और उनको किसी भी तरह की ठंड को लेकर कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही में जिस तरह के आर्टिफिशियल बॉक्सेस की यहाँ पर बात कर रहे थे उसमें कुछ ओपन बॉक्सेस भी है जिसमें अभी भी आपको सांप जो है वो बैठे हुए नजर आएंगे ताकि उन्हें गर्माहट महसूस हो सके, जिस तरह की ज़मीन की ठंडक है वो उसमें ना जाए और उसके चलते उन्हें भी सर्दी से बचाया जा सके। तो इस तरह के कई सारे आर्टिफिशियल व्यवस्था यानी कि इंतज़ाम जो है वो इंदौर जू में किए गए हैं ताकि इंदौर जू में जितने भी जानवर हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और इस ठंड के मौसम से उन्हें बचाया जा सके। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।